भारतीय आसमान को नाप रहे राफेल विमान में घोटाले का जिन्न एक बार फिर सामने आ गया है। इस बार फ्रांसीसी खोजी पत्रिका मीडिया पार्ट ने अपनी रिपोर्ट में राफेल सौदे में गोपनीय रूप से घूस दिए जाने का नया दावा किया है। मीडिया पार्ट का दावा है कि राफेल सौदे में घूस दी गई। पत्रिका के मुताबिक फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बिचौलिए को घूस दी। भारत से राफेल सौदा करने के लिए बिचौलिए सुषेण गुप्ता को गोपनीय रूप से करीब 7.5 मिलियन यूरो यानी 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दसॉल्ट कंपनी ने रिश्वत देने के लिए फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया। दसॉल्ट एविएशन ने 2007 और 2012 के बीच मॉरिशस में बिचौलिए को रिश्वत का भुगतान किया। फ्रांस के पोर्टल मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी विमान निर्माता दसॉल्ट ने भारत को 36 राफेल लड़ाकू विमानों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए बिचौलिए सुषेण गुप्ता को 75 लाख यूरो का कमीशन दिया था। इस कथित भुगतान का बड़ा हिस्सा 2013 से पहले किया गया था। सुषेण गुप्ता पर अगस्ता वेस्टलैंड से मॉरिशस में रजिस्टर्ड एक शेल कंपनी के जरिए रिश्वत लेने का आरोप है। पत्रिका के इस खुलासे के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस में आरोपों प्रत्यारोपों का नया दौर शुरू हो गया है। क्या आपकी पॉलिटिकल हाई कमांड से किसी की बैठक सुषेण गुप्ता ने कराई? इशारे तो तमाम यही हैं कि बैठक हुई है, तभी तो ये लीपापोती हो रही है, तभी तो सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटाया जाता है, तभी तो इतने कागज बरामद होने के बाद भी कोई कार्यवाही सुषेण गुप्ता पर नहीं होती। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना, राष्ट्रद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता के अधिनियम का घोर उल्लंघन है, उससे कम कुछ भी नहीं है। कि 11 मिलियन यूरो तक अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोस और 11 मिलियन यूरोस तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिल मैन के माध्यम से, जिस मिडिल मैन का नाम सुषेण गुप्ता है, सुषेण मोहन गुप्ता, SM गुप्ता। आश्चर्य का विषय कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुषेण गुप्ता होता है, ये सुषेण गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है, ये एक पुराना खिलाड़ी है जो VVIP चॉपर गेट स्कैम था, जिसको अगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था, वो सुषेण गुप्ता उसका भी किंगपिन था। फ्रांसीसी पत्रिका के इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह रिपोर्ट ट्वीट की। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है, मेरे कांग्रेस साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। डाटा तो आपको देना पड़ेगा, सत्य को आप थोड़े दिन तक दबा सकते हो, पर जितना आप दबाओगे सत्य उतना ही ताकत से बाहर निकलेगा। जिस तरह से सूचनाएं आ रही है कि आपने बोगस जो इनवॉइसेस वहां पे यूज करी, क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के फेवर में है कि आप बोगस इनवॉइसेस का यूज कर रहे हो, वो भी ऐसे एयरक्राफ्ट के लिए जो कि हमारे एक राष्ट्रीय सुरक्षा का पहला प्रहरी है। मीडिया पार्ट ने अपनी नई रिपोर्ट में उन कथित फर्जी बिलों को भी प्रकाशित किया है जिनके जरिए कमीशन लेने का आरोप है। पोर्टल का दावा है कि ये जानकारी CBI और ED को 2018 से थी, लेकिन इन एजेंसियों ने कोई एक्शन नहीं लिया। सच्चाई जो भी हो, लेकिन राफेल पर नए सिरे से सियासी रण शुरू हो चुका है, जिसके खत्म होने के आसार हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहे। आज तक ब्यूरो।